हमारी मजबूरी क्या होती है? एक इंसान कब मजबूर होता है? जब अपने आप को वो कुछ करने की हिम्मत या कुछ करने का जज्बा हासिल नहीं कर पाता, तो अपने आप को वो मजबूर समझता है। एक बच्चा जब तक चल नहीं सकता, माँ की गोदी में रहता है, तो नहीं चलने की उसकी जो मजबूरी होती है, उस मजबूरी को वो किसी भी प्रकार से सोचता समझता नहीं है और आनंद में रहता है। जब तक हम अपनी मजबूरियों को अपनी सोच नहीं बनाते, तब तक हम आनंद में रहते हैं। मजबूरी हम किस चीज को कहते हैं? अगर हम चलने में असमर्थ हैं, तो हम मजबूर है कि चल नहीं पाते हैं। अगर हम किसी को खाना बना के नहीं खिला सकते या किसी का सेवा नहीं कर सकते, ऐसी हालत में होते हैं, तब हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम कर नहीं सकते, नहीं तो हम करते। पैसा होने के बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पति नहीं चाहते कि हम आपको दें, हमारे घर वाले नहीं चाहते कि हम आपको दें, हमको माफ़ कर देना, हम मजबूर हैं। इंसान की मजबूरियां कभी तो अपने आप सोच सोच के बनाई हुई होती है। कभी इंसान किसी की मदद नहीं करना चाहता, तब बहाना बनाता है मजबूर होने का। मजबूर होने का बहाना बनाना ये मजबूरी नहीं होती है। इंसान चल सकता है, फिर भी हम नहीं चल सकते, वो उसकी मजबूरी नहीं होती है। लेकिन उनके पास पैसा होता है तो सोचता है कि क्यों चले यार, बैठ जाओ, किसी साधन को ले लो और चलो, चलना क्यों है, अरे वहीं जगह जहाँ है वहाँ ही उतरो, अरे मंदिर के बाहर प्रांगण में क्यों गाड़ी पार्किंग में रखे, मंदिर के अंदर ले जाइए, वहाँ नज़दीक के पिछवाड़े दरवाजे पे ही हम VIP जो ठहरे, क्योंकि हम दान देते हैं मंदिर में, कौन रोकने वाला है हमें। ऐसी ऐसी जब सोच बनी रहती है तो चलने की मजबूरी हो जाती है। और अगर इन लोगों को रोकता है कोई तो दान नहीं मिलता, तो कई प्रोग्राम कम हो जाते हैं मंदिर वाले जो करते हैं उसको, वैसे बहुत बड़े दानी जो होते हैं, तो इनको नहीं रोकना वो उनकी मजबूरी बन जाती है। तो ये सभी अपनी अपनी जो बातें हैं उस बात से मजबूरी बनी हुई होती है। असल में मजबूरी ये सब नहीं है, ये हमारी खड़ी की हुई मजबूरियां हैं। मजबूरी इंसान की कब होती है? जब इंसान भगवान उसको देखने की आंखें नहीं देता, तो नहीं देखने की उसकी मजबूरी होती है। लेकिन कई लोग अंधशाला में शिक्षित होकर के अपनी मजबूरियों को हटाकर फेंक देते हैं और अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे दौड़ाते हैं। इसी प्रकार से दिव्यांगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उसी ट्रेनिंग से वो लोग बहुत सारा काम करके दुनिया में दिखा देते हैं। लेकिन जिसका दो हाथ है, दो पांव है, दो आंखें हैं, हर तरह से कंप्लीट है, पैसे से कंप्लीट है, अभ्यास से कंप्लीट है, किसी भी बात की मजबूरी उसकी जीवन में नहीं है, फिर भी वो मजबूर बना फिरता है, ये क्या हुआ? क्या यही जिंदगी है? क्या यही मजबूरियों को हम
बताते 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 जिंदगी जिया करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कितना दिया है। नहीं देने वाले को भी हम सब कुछ दे सकते हैं, ऐसा हमें बनाया है। फिर भी हम क्यों मजबूर बन के घूम रहे हैं दुनिया में? हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। जानते हो ना, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। ये सब कुछ उनसे ऊपर उठ करके बाहर आना चाहिए। इंसान की मजबूरी तब होती है जब वो खाना सामने हो पर भूख नहीं होती, तो वो खा नहीं पाता और वो भूख बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरत की दी हुई एक चीज है। जब भूख लगे तो वो खा सकता है, नहीं लगी हो तो नहीं खा सकता है। वैसे अंदर शरीर का जो पुर्जा है वो नहीं चला सकता कोई भी इंसान, वो ईश्वर की देन है, ईश्वर चलाता है। तो वो मजबूरी है उसकी कि वो नहीं कर सकता। फिर भगवान ने जबान दी है तो हम अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ बोल सकते हैं। कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो शब्द भी कंट्रोल के बाहर नहीं बोलने जैसा इंसान बोल जाता है। तो गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहता, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रहता। वो उसकी मजबूरी जरूर होती है, लेकिन उसको धर्म के अभ्यास से कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले सोचो, हमारी जो जो मजबूरियां हैं क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? किस चीज से कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जिनसे हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपनी भली बुरी चीज़ों को, जो हम खाते हैं पीते हैं, जो नहीं खाना चाहिए, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो जिस प्रकार से हम उसको कंट्रोल करना चाहे, कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। हम जो नहीं कर सकते वो हमारी मजबूरी जरूर है, लेकिन ये सब जो भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने हमें संस्कार दिया है कि शास्त्र विहित नहीं चलना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में भी कहा गया है अवैध खाना नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी इंसान को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको हाथ दिया है, पांव दिया है, सब कुछ दिया है। वो खाना बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये जो मांस खाना, मच्छी खाना, ये इन्हीं जानवरों के लिए भगवान ने दिया है कि जो खाना बना नहीं सकते, और वो भी जो मांसाहारी जीव को बनाया है भगवान ने, उसी के लिए बनाया है। लेकिन जो चार पग वाले पशु है उनमें शाकाहारी जीव भी होते हैं, आप सबने देखा है जंगल के अंदर, वाइल्ड लाइफ में आपने देखा है। हिरण मांसाहारी नहीं है, हाथी मांसाहारी नहीं है, हिप्पो मांसाहारी नहीं है, गैंडा मांसाहारी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर जो वहाँ है, याक और भैंसा, बहुत सारे जीव जंगल के अंदर पलते हैं, फूलते हैं। कई ऐसे पक्षी हैं जो फलों को चोंच लगा के खाते हैं।
ज़्यादातर, और पानी पीते हैं, और जो छोटी छोटी टहनियों से पानी टपकता है ऐसे वृक्ष पर बैठ के वो पानी पी लेते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है वीडियो में, किसी ने बताया हो, हम दिखते रहते हैं, हम सब बराबर है। तो ये जो जीव हैं जिनको वाइल्ड लाइफ में भी भगवान ने मांसाहारी नहीं बट शाकाहारी बनाया है, तो इन लोगों को खाने के लिए भगवान ने घास दिया है, वनस्पतियां दी है, बहुत सारा कुछ दिया है वहां कि वो खा के जिंदा रह सकते हैं। और आप इंसान क्यों ऐसा अवैध खाना खाते हैं? इसी वजह से शरीर के अंदर बहुत सारे रोग शरीर के अंदर पैदा होते हैं। जो चीज दूर से ही दुर्गंध मारती है, मांसाहार, फिर वहां से आप देखो पसार होंगे ना, तो इतनी दुर्गंध मारेगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे। फिर दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब जो व्यसन है उसकी भी बहुत दुर्गंध मारती है, वहां से आप हटने को जी करता है। ऐसी चीजों को इंसान मुंह में कैसे डाल सकता है, ये समझ के परे है। ऐसी ऐसी गंदी चीजों को खाकर शरीर में किस प्रकार से विटामिन बनेंगे, और उसके साथ तंबाकू भी मुंह में रखते हैं। अच्छा चलो, आप खाए बिना नहीं रह सकते, तो अकेला मीठ ही खाओ, उसके साथ रोटी क्यों खाते हो, बन क्यों खाते हो, मसाला क्यों डालते हो, अकेला कच्चा खाकर जिंदा रह सकते हो ना आप। लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि आप जिस जानवर का ये मांस खाओगे उसी प्रकार से जानवर जैसे बन के रह जाओगे। तो आप जानते हो कि इसके साथ थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा टेस्ट बना के खाते हो, हैं? अच्छा बना के खाते हो, अपने आप को इंसान समझते हो, तो समझते हो कि ये सब भी हमको खाना चाहिए जिससे हमको विटामिन मिले, है ना? तो आप पहले ये समझो कि जिसके हाथ पैर नहीं है वो जीव जंतु खाने वाले पक्षी, जिसके हाथ पैर नहीं है वो रोटी नहीं बना सकते, वो मांसाहारी जीव मांस खाते हैं, और आप उन लोगों को खाते हो, क्यों खाते हो? आप मजबूर नहीं हैं, वो मजबूर है खाने को, क्योंकि वो आपकी तरह रोटी नहीं बना पाते, आपकी तरह खाना नहीं बना सकते, और आप बना सकते हो, तो मत खाओ, ये आपकी मजबूरी नहीं है। आप शाकाहारी बन सकते हो, जिस चीज में लहू निकलता हो वो चीज इंसान के लिए नहीं है, जिस चीज से पानी निकलता हो, लिक्विड निकलता हो, सॉस निकलता हो, ऐसे रस भरे फल फूल और ऐसी चीजें जिसका पाउडर फॉर्म बनता हो, वो इंसान के खाने के लिए बनाया गया है। और ये जब पक जाते हैं तभी खाते हैं हम लोग, 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी अनाज उग के पक जाता है, उसका कलर फॉर्म बदल जाता है, उसका पक्कापन आ जाता है, उसके बाद उसको काटा जाता है और घास को काट करके उसकी थप्पी लगाई जाती है और बाद में उसका दाना निकाला जाता है।
और उसको पाउडर फॉर्म करके हम सब खाते हैं। तो जिसमें से रस निकलता है, मूंगफली है, सोया है, ये सब जिसमें से ऑयल हम निकाल के खाते हैं, तो ये सब रस भरे चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष हैं, जिसमें फल होते हैं उसमें रस होता है। कई वनस्पतियों से घी जैसा चिकनापन निकलता है, तो ये सब हम खा सकते हैं और इतनी सारे व्यंजन बन सकते हैं इनसे कि आज एक व्यंजन बनाया, शाम को दूसरा व्यंजन बनाया, दूसरे दिन तीसरा व्यंजन बनाया, पूरे साल भर आप अलग अलग व्यंजन बना के खा सकते हैं। एक सा व्यंजन नहीं खाना हो तो भी इतने सारे व्यंजन की वेराइटीज हमारे इंडिया में बनती है कि आप अलग अलग तरह के व्यंजन बना बना के खाओगे ना, तब भी एक साल के बाद अगर आप दूसरी बार उसको खाना चाहोगे तो खा सकते हो। इतने मेरे कहने का मतलब है कि हजारों की संख्या में व्यंजन बनते हैं हमारे इंडिया में और हम खा सकते हैं। हजारों तरह के स्नैक्स नाश्ते बनते हैं, वो भी खा सकते हैं चाय के साथ। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। कितनी जात की सेव बनती है, कितने जात के पकोड़े बनते हैं, कितने जात के रोटी बनती है ना। अलग अलग तरह का टेस्ट आप सबको मिल सकता है। फिर क्यों ऐसा खाना चाहिए? हमें शास्त्र के मुताबिक जो अवैध चीज़ें हैं उसका त्याग करना चाहिए, और अगर हम त्याग करते हैं तो वो हमारी कोई मजबूरी नहीं है, उसको हम छोड़ ही सकते हैं। कोई बात नहीं कि नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही सकते हैं। हम इन मजबूरियों को गलत तरीके से बता रहे थे, भाई मेरा तो चलता ही नहीं, मुझे तो ये आदत पड़ गई है। अरे आदत छूट सकती है। आप खंभा पकड़ लो और कहो कि मुझसे खंभा नहीं छूटता है। अरे आपने हाथ से खंभा पकड़ा है और वही हाथ आप निकाल दो खंभे से तो खंभा छूट जाता है। खंभा थोड़ी ना छोड़ेगा, खंभे को आपने पकड़ा है तो आप छोड़ोगे तभी खंभा छूटेगा। इसी प्रकार से व्यसन को आपने पकड़ा है तो आप चाहोगे तो छोड़ सकते हो। लेकिन हम है ना, हर किसी को मना लेते हैं, मजबूरियाँ दिखा देते हैं। ऐसी कोई मजबूरियाँ दुनिया में नहीं है जो हमसे छूट ना पाए। जो हमने खड़ी की है वो मजबूरियों को हम खुद छोड़ सकते।